आप बताओ। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैं भून रही हूँ मखाने और ड्राई फ्रूट। हस्बैंड का है फास्ट प्रदोष काल का, तो उन्हीं के लिए वो एक टाइम ही खाना खाते हैं शाम को। तो ब्रेकफास्ट में दूध के साथ मखाने देखेंगे। अगर आप जानना चाहते कि प्रदोष काल का व्रत क्या होता है, किस दिन रहते हैं, तो लिख के कमेंट बताना, मैं आपको डिटेल में इसका बताऊंगी। हमारे घर में थोड़ा ना स्वीट की क्रेविंग रहती है, तो मैं कुछ मीठा बनाने की कोशिश करती हूँ, तो हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो ये देखिए, ये मैंने लिए हुए हैं चने बिना छिलके वाले, तो इसका मैं कुछ स्नैक्स बनाऊंगी, वो हेल्दी भी होगा और टेस्टी भी होगा। तो मैं बताती हूँ कैसे ये बनेगा। इसके साथ हमें और भी दूसरे ड्राई फ्रूट जो आप ऐड करना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो भाई, ये कढ़ाई में मैंने डाल दिए बादाम और काजू, ड्राई रोस्ट करेंगे इनको, घी की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी सी जो नमी सी है वो निकल जाए इनमें से बस। तब तक हम जो चने हैं उनको मिक्सी में पीस लेते हैं। पीसने के लिए आप ना जितना, मतलब कि बिल्कुल आटा बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसको थोड़ा दरदरा सा रखिए। और साथ में जब ये थोड़े ठंडे हो जाएंगे ना, हम ये बादाम और काजू को भी पीस लेंगे। ये भी मैंने लिया था आधा किलो चना, और उसमें सिर्फ ना 200 ग्राम मैंने ऐड किए शक्कर। और अब इसमें मैंने घी रखा हुआ मेल्ट होने के लिए, वो मिला दूंगी। तो देखो, 10 मिनट में ही हमारी ये जो क्या है रेसिपी तैयार हो जाती है इंस्टेंट। बिल्कुल कुछ भी खाने का आपका मन हो, जब भी अपना थोड़ा सा निकाल लो और खा लो। और देखो, आपको खाने के बाद ना रिग्रेट वाली फीलिंग नहीं रहेगी। तो इस घी को मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी इसमें। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। सिंपल है लेकिन हेल्दी और बड़ी अच्छी सी है, ट्राई कर सकते हैं आप। तो ये चने का हेल्दी सा स्नैक्स तैयार हो गया मेरा। अब मेरे को बनाना है राइस पुलाव। और पुलाव में स्पेशल क्या है, ये मूंग मंगोड़ी आप देख रही हैं, इनको थोड़ा सा पहले मैं कूट लूँगी और फिर इनको करूँगी थोड़ा सा फ्राई, और तब बनाएंगे इसके साथ टेस्टी सा पुलाव। तो ये मैंने फ्राई होने के लिए रख दिया है, थोड़ा सैलू फ्राई कर। तो ये मैंने सैलू फ्राई होने के लिए बड़ियों को डाल दिया है। और इधर मैं चॉपिंग कर रही हूँ प्याज की और बीन्स की। पुलाव का मजा आता है भाई खड़े मसालों से। तो इसमें देखिए, मैंने कढ़ाई में बे लीफ, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, जीरा सब डाल लिया है। अब थोड़ा सा इसको सेक लेंगे और फिर इसमें अपनी पसंद की सब्जियां ऐड कर देंगे। ये भाई मैंने राइस ऐड कर दिए, नमक मिर्च डाल दिया है, गरम मसाला डाल दिया है। और अब क्या है, पहले मैं ना पानी ज़्यादा नहीं डालती हूँ, पहले ये पानी जब बिल्कुल सूख जाएगा ना, तब मैं बाकी का पानी ऐड करूँगी। इससे ना राइस का कलर बहुत अच्छा आता है। धनिया चॉप करके रख लिया है, बाद में ऐड कर दूंगी इसमें। तो फ्रेंड्स, राइस मैंने बनने के लिए रख दिए हैं, स्वीट में भी तैयार हो गया। अब साथ में बनाऊंगी रायता। बनाऊंगी रायता, किसका बनाऊं, खीरे का, ठीक है। फिर हमारा लंच हो जाएगा पूरा। कपड़े सूख गए हैं, धूप इतनी तेज़ आई हुई है, ये उतारने आई थी। तो मेरे घर के ना बैक साइड में स्कूल है, तो वो बच्चे खेल रहे हैं, चहचहाट रहती है, बड़ा अच्छा लगता है मेरे को तो सुन के, प्लेजेंट सा रहता है शोर शराबा बच्चों का। तो फटाफट कपड़ों को उतार लूँ, नहीं तो कलर फेड हो जाएगा इनका। फ्रेंड्स, ऐसे तो लेडीज से पूछा जाए कि सबसे बड़ी टेंशन क्या है, तो जो आई थिंक खाना बनाना इतनी बड़ी टेंशन नहीं है, बट ये डिसाइड करना कि ब्रेकफास्ट में क्या, लंच में क्या, डिनर में क्या, एग्री और नॉट, बताना मेरे को। और एक बात और है, जैसे मैं अभी टिफिन में क्या देते हो आप अपने बच्चों को, स्कूल से आते हैं तो क्या देते हो, तो थोड़ा ना आप शेयर कर सकते हैं, ये बड़ा हेल्पफुल रहता है हमारे लिए भी और जो वीडियो देखेगा उनके लिए भी। तो आप अपने व्यूज खोल के, कोई हो सकता है कि अच्छा कुक हो, हेल्थ कॉन्शियस हो, तो प्लीज़ शेयर जरूर करना। भाई गर्मी इतनी है, किचन में खड़े खड़े बुरा हाल हो जाता है।
और मेरे ना किचन में ना लाइट भी पता नहीं, दो दो ट्यूब लाइट और सब ऑन कर सकती हूँ, फिर थोड़ा सा ना लाइट डार्क सा ही रहता है, पता नहीं वो वीडियो भी इतना अच्छा नहीं बन पाता फिर मेरा, तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। आ गए स्कूल से और सबसे पहले मैं उनको देती हूँ नींबू पानी। तो नींबू पानी की तैयारी करती है, गर्मी काफी हो रखी है, तो सबसे पहले मैं उनके लिए नींबू पानी बनाऊंगी। बताओ कैसा खाना बनाया आज? मिर्ची ले ली है। और ये बता, मिर्ची का तो छोड़, है दही डाल ले उसमें। टेस्ट तो थोड़ा थोड़ा आ रहा है क्योंकि मैं कुछ खा पा। अच्छा, जुकाम हो रखा मेरे बेटे को, तो टेस्ट मिर्ची का ज्यादा आ रहा है और कम आ रहे हैं। कारा से ही पूछना पड़ेगा मेरे को, ऑनेस्ट रिव्यू वही देती है, तो मस्ती करता रहता है, मम्मा की टांग खिंचाई करता रहता है। खाना कैसा बनाया है और सच सच बता। जो ये है लोबिया, हाँ। कैसा है? क्या है ये? मूंग दाल की, वो बढ़िया होती है ना मूंग दाल की, है ना, कोई उड़द की कोई मूंग की, सोयाबीन, मोस्टली ये सोयाबीन की खाते हैं ना, तो पता ही नहीं चल रहा है उसको। ये आज मैंने स्पेशल डिफरेंट यूज वो किया है, तो मेरा ट्राई ठीक है नहीं? पास? तो इधर तो देख पक्का। भाई अभी है डिनर का टाइम और आज मैंने आपको बताया था कि हस्बैंड का फास्ट है, तो फास्ट के अकॉर्डिंग उनका खाना बनेगा, अपना फिर मैं सोचती हूँ कि क्या बनाएंगे। तो उनके लिए मैंने बनाया है गैस पे साबूदाना, साबूदाना खिचड़ी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स हमारे लिए डिनर में तैयार है पनीर भुर्जी, और हस्बैंड के लिए भी मैंने जो है साबूदाना तैयार कर लिया, लेकिन मेरे को लग रहा है ये कम रहेगा उनको, तो मैं अब सामक की थोड़ी सी खीर और बना देती हूँ। तो भाई मेरे हस्बैंड एक बार ही खाना खाते हैं और वो ना ऑफिस में भी कुछ नहीं खाते, तो अभी डिनर में मैंने उनके लिए सामक की खीर भी बना रही हूँ। तो फ्रेंड्स डिनर हमारा हो गया है, बच्चों के लिए बना दी है भुजी और चपाती, और मैंने अपने लिए ये जो भुजी में ही थोड़ा सा राइस जो दिन का बचा हुआ था वो मिक्स कर लिया, चपाती खाने का मेरा मन नहीं था, तो मेरा भी डिनर हो गया। और अब आप भी कर लीजिए और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय। अभी तो आधा